हाय गाइस, वेलकम बैक अनु व्लॉग। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और प्रेस करें बेल आइकन बटन को। हाय गाइस, वेलकम बैक अनु व्लॉग। दोस्तों, दाल मखानी बनाने के लिए आपको 3/4 भाग तो साबुत उड़द लेना है और 1/4 भाग आपको राजमा का लेना होगा। मैंने इसे भिगो दिया था, कल रात 11 बजे भिगोया था, शाम 5 बजे मैं इन्हें बना रही हूँ। और आपको इसमें क्या करना है कि लगभग 3 गिलास पानी डालना होगा। मैं इसमें थोड़ा सा बचा लूँगी, लेकिन आप पूरा 3 डाल दीजिए, बाद में ज़रूरत पड़ती है इसमें, क्योंकि ये गलने में भी पानी ज़्यादा लगता है और फिर हम जब बनाते हैं दाल मखानी तो उसी पानी को यूज़ कर लेते हैं जिसमें ये बॉईल होते हैं। ये मैंने पानी डाल लिया है, देखिए जितना दिख रहा है लगभग इतना पानी आप ले लीजिए। आप ज़्यादा बनानी हो दाल मखनी तो ज़्यादा बड़ी कटोरी ले लीजिए, मैंने ये वाली कटोरी ली थी और इसके अकॉर्डिंग मैंने सारा सामान लिया है, जिसमें 3/4 भाग था साबुत उड़द का और 1/4 भाग राजमा का। अब मैं 1/3 भाग बेकिंग सोडा ले रही हूँ ताकि राजमा और ये अच्छे से गल जाए, और मैं इसमें एक जो टीस्पून होती है वो मैं नमक की डालूँगी ताकि बॉईल कर होते में इनमें अच्छे से नमक चला जाए। हम लीड लगा देंगे। और अब हमने इसमें 7-8 सीटी लगा दी थी, देखिए ये इस तरह से हो जाए। तो आप इस तरह से राई या मथनी से इसको हल्का हल्का मैश कीजिए, क्योंकि खड़े खड़े रहते हैं तो दाल अच्छी नहीं लगेगी। आपके पास आपको मथनी से नहीं करना है तो आप हाथ से भी कर लीजिए, कुछ लोग हाथ से भी कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तब ये गर्म ना हो। देखिए मैश होने के बाद जो पानी है वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से, देखिए इस तरह से ये हो गया है। देखिए छौंक लगाने के लिए हम एक छोटा टीस्पून जीरा लेंगे, हींग ले रहे हैं थोड़ी सी, 2 बड़े प्याज ले रहे हैं और लहसुन कटा हुआ बारीक 4-5 कली, और मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं 3, सॉरी मैंने छोटे टमाटर लिए थे 3, आपके बड़े हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। हम पैन को गरम करेंगे, हम पहले तेज़ गैस पर इसे रखेंगे, फिर बाद में गैस को हल्का करेंगे। तेल गरम हो जाए तो आप गैस कम कर लीजिए और दूसरी तरफ आप दाल को गरम होने के लिए रखिए, उसमें खदका आना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो ऊपर कोटने लगेगी दाल तब हम उसमें छौंक डालेंगे। मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, हींग डाल रही हूँ, प्याज ऐड करेंगे। अब हम दोस्तों इसमें लहसुन जो काटा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे और अब इन्हें हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। दोस्तों प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, हम इसमें टमाटर मिर्ची वाला पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे। दोस्तों मैंने 2 मिनट इसे पका लिया मीडियम गैस पर। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 चुटकी के करीब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। मसाले कम ही डालिए क्योंकि हम बाद में जब दाल में खदका लाएंगे तब भी डालेंगे, इसलिए थोड़ा ही डालिए। नमक अभी मैंने नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे क्योंकि मैंने उसे बॉईल करते टाइम डाल दिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा तड़का अब तैयार है, हम इसे दाल में ऐड कर लेंगे। देखिए मसाले ने अपना, सॉरी तड़के ने अपना जितना भी ऑयल था वो सब निकाल दिया है, तो हमारा एकदम बढ़िया से तड़का तैयार है। अब उसमें ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। हम दाल को एकदम हल्की गैस पर पकाएंगे, मतलब इसमें हमें खदका लेकर आना है। मैं इसी फ्राई पैन में पानी लेकर थोड़ा सा साइड में गरम करने के लिए रखूंगी क्योंकि दाल गाढ़ी हो गई है, मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो आप भी इसी तरह से साइड से पानी रखकर उसे गरम करिए, और उसमें आप थोड़ा सा नमक अलग से उसमें पानी में ही पका सकते हैं, मैं दाल में ही डालूंगी, आपका जैसा मन करे वैसे कर सकते हैं।
दोस्तों अब हम इसमें सारे मसाले फिर से डालेंगे, उतने ही जितने पहले डाले थे। बस गरम मसाला थोड़ा कम डालेंगे, और गरम मसाला एक चुटकी भर के डाल दीजिए, और नमक भी हम थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा ही डालिए, बाद में कम लगेगा तो टेस्ट करके देखिएगा, कम लगता है तो आप फिर ज़्यादा आप डाल लीजिएगा। मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से अब चलाएंगे। पानी गर्म हो गया है, इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालिए। अब मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ इसमें, बस इतना काफ़ी रहेगा। ये हम इसमें दही ऐड करेंगे। मैंने पहले दाल को 1 मिनट पका लिया था पानी डालकर, फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही आप 3 टेबल स्पून लीजिएगा, जो नॉर्मल आपके खाने वाली चम्मच हो उसके अकॉर्डिंग 3 चम्मच। कम लगता है तो थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा। दही डालकर मैं इसे 2 से 3 मिनट तक हल्की गैस पर पकाऊंगी। आप 5 मिनट तक पका सकते हैं, 2 से 3 मिनट काफ़ी रहती है। हल्की गैस पर ही पकाएं वरना दाल लग जाएगी आपकी। अब मैं इसमें मलाई ऐड कर रही हूँ, आप घर की मलाई ले लीजिएगा। मैंने उसे अच्छे से फेंट लिया था। मलाई आप 4 चम्मच, जो आपके खाने वाली चम्मच है उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। जैसी मेरी चम्मच आपको दिख रही होगी वो वाली चम्मच आप 4 चम्मच ले लीजिएगा। दोस्तों मैंने इसे 5 मिनट हल्की गैस पे पकाया है, फिर मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है। आप 1/2 टीस्पून इसमें अमचूर पाउडर डालिए, फिर उसके बाद आप इसे अच्छे से चला लीजिए और इसमें बटर ऐड कीजिए। बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि टेस्ट में चेंज आ जाएगा। बटर से थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाल दिया था, नहीं है तो आप घी डाल लीजिए। अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे 1 या 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें घी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा 2 मिनट पकाने के बाद। अब आप इसे 1 मिनट पका लीजिए और 1 मिनट बाद गैस को बंद कर दीजिए। आपकी मखनी दाल तैयार है। आपकी दाल मखानी बनकर तैयार है। आप इसे पनीर और बटर के साथ सर्व करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।